तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं जी इनका वड़ा पाव। क्या जो वड़ा बीच में डाला हुआ ना, ओए होए होए, आपने आज से पहले ना ऐसा पनीर राजमा के साथ नहीं खाया होगा। ये सब राजमा की थिकनेस देखो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आप सबके अपने चैनल डुग्गर व्लॉग्स में। ये डुग्गर व्लॉग्स ना आज आपको लेके आए जम्मू के अंदर वड़ा पाव खिलाने। अब आप सोचोगे कि भाई साहब जम्मू में वड़ा पाव कहाँ से आ गया, ये बिल्कुल मिलता है मन भवन स्टोर में। मन भवन जी की ये जो दुकान है ना, ये त्रिकुटा नगर में है, मिनी मार्केट में। लोकेशन जो है आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे एग्जैक्ट इसकी। और यहाँ पर खाली वड़ा पाव नहीं, इनका जो फास्ट फूड है ना भाई साहब, उसने पूरे त्रिकुटा नगर इलाके में आग लगा रखी है। क्यों आग लगा रखी है? क्योंकि भाई ये बनाते ही इतना ज़बरदस्त फास्ट फूड है, तो भाई साहब अब वेट करना बहुत मुश्किल है। चलते हैं फटाफट मन भवन जी के पास और खाते हैं इनका बहुत ही बढ़िया वड़ा पाव और यहाँ का टेस्टी वाला फास्ट फूड। तो भाई साहब मन भवन जी के यहाँ ना जो वड़ा पाव बनता है उसके अभी वड़े तैयार किए जा रहे हैं और ये शेफ़ बना रहे हैं यहाँ पे वड़े। तो भैया कैसे तैयार कर रहे हैं इसको? सर ये हमने ना वड़े का बैटर वो बनाया हुआ, मसाला बनाया हुआ। अच्छा, और इसको बेसन के बैटर में डाल के इसको फ्राई किया जाता है। तो ये बॉल्स जो बना रखी हैं ये आलू की बनती हैं? हाँ जी सर, ये आलू की होती हैं। और इसमें कुछ स्पेशल मसाले वगैरह डाल? सर इसमें स्पेशल मसाले होते हैं, एक अपना फ्लेवर होता है, क्या कहते हैं, जो बॉम्बे में वड़ा पाया जाता है इसके वजह से। और बेसन में क्या क्या ऐड किया हुआ है? सर बेसन में नमक होता है और अजवाइन होती है। अच्छा, और बीच में एक दो इंग्रेडिएंट्स हो रहे हैं। तो जितने ये बड़े जैसे भी आप यहाँ पे तैयार कर रहे हो? हाँ जी। तो रोज़ आप फ्रेश बनाते हो यहाँ पे? बिल्कुल सर, हैंड टू हैंड रेडी करते हो, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हो? ख़त्म हो जाते हैं, बार बार हमको बनाने पड़ते हैं। अच्छा, बार बार बनाने पड़ते हैं, तो मतलब फ्रेश बनाते हो रोज़? हाँ जी, जैसे जैसे खत्म होते हैं। एक दिन में सर दो तीन बार बनते हैं। हाँ जी। और भाई साहब ये देखो पूरे जो वड़े हैं ना वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब इनको निकाला जा रहा है जी कढ़ाई से बाहर। बड़े निकाले ना बाहर इन्होंने, हमें तो लगा था कि पूरे कंप्लीट हो गए हैं, पर एक्चुअली में ना ये हाफ डन है। इसको भी दूसरी बार फिर से फ्राई किया जाए, दोबारा से फ्राई किया जा रहा है वड़ों को, ताकि ये वड़े जो है ना एकदम बढ़िया तरीके से क्रिस्पी होके बाहर आएंगे। अब फ्राई हो चुके हैं वड़े अच्छे तरीके से। अनारदाने की चटनी, अनारदाने की चटनी बहुत बढ़िया लग रही है देख के। दूसरे नंबर पे आ गई हमारी गार्लिक की चटनी यानी कि लहसुन की चटनी। फिर आ गई जी हमारी खट्टी मीठी चटनी, और देन उसके बाद आ गई हमारी धनिया वाली चटनी। साथ में आ गई जी हमारी शेजवान चटनी जो कि तीखी वाली एकदम बढ़िया वाली चटनी होती है। और यहाँ बनाया जा रहा है जी मन भवन जी का बहुत ही फेमस वड़ा पाव, जो कि जम्मू में अभी नया नया मिलना शुरू हुआ है। वैसे तो ये मुंबई और पुणे की जान है, पर धीरे धीरे जम्मू में भी इसने अपनी पहचान बना ली है, क्योंकि मन भवन जी ने जो यहाँ पे बेचना शुरू किया है। और किस लिए पहचान बनाई है? क्योंकि भाई साहब ये ना चीज़ सर्व करते हैं बहुत ही बढ़िया। और अभी देख सकते हो आप पाव के ऊपर उन्होंने अपनी दोनों स्पेशल वाली चटनी लगा दी है, एक आगे गार्लिक वाली, एक आगे जी अनारदाने वाली। प्याज तो आई गए हैं, साथ में आ गया जी इनका वड़ा, जो कि हमने आपको दिखाया कि कैसे एकदम फ्रेश वड़ा जो है इन्होंने तैयार किया है, जिसके साथ में ना ये हरी वाली तीखी वाली मिर्ची मिली है। और इन्होंने बताया था कि इनकी ये हरी मिर्च भी स्पेशल है, क्योंकि इन्होंने इसको तड़का लगाया। तो भाई तड़का लगाते हैं उसको? सर इसको फ्राई करके मसाले किए होते हैं, इसमें फ्राई करने के बाद मसाले डालते हैं ऊपर से। ठीक है। हाँ जी। और भाई साहब ये देखो इनके स्पेशल वाले राजमा, राजमा की आपको पहचान कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है जम्मू में राजमा कितने पसंद किए जाते हैं। और यहाँ लग रही है अब हमारी राजमा चावल की प्लेट। अभी भैया इसके अंदर चावल डाल रहे हैं, जो कि इन्होंने कहा बासमती चावल यूज़ करते हैं। और अगर राजमा और स्पेशल चीज़ पनीर देख लो भाई साहब, आपने आज से पहले ना ऐसा पनीर राजमा के साथ नहीं खाया होगा, क्योंकि जम्मू में जितनी भी जगह मिलते हैं ना ये ना पनीर ऊपर सब जगह डाल के देते हैं, पर होता क्या कि पनीर पहले से फ्राई किया जाता है, और कई जगह हमने ऐसा भी देखा कि वो ना टोफू यूज़ करते हैं, तो कस्टमर को कोई डाउट ना रहे और पनीर का उनको ऑथेंटिक फ्लेवर आए, टेस्ट आए, तो इसलिए ये ना कच्चा पनीर देते हैं, फ्राई नहीं किया होता इन्होंने। तो जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। और भाई साहब राजमा की थिकनेस देखो, ये भाई साहब अभी धनिया डाल रहे हैं इसके ऊपर, बढ़िया से प्लेटिंग हो रही है। ये कैसी डाली भैया? सर ये हमारा स्पेशल मसाला, ये जी मन भवन जी का मन भवन स्पेशल मसाला। और भाई साहब
नॉर्थ इंडियन फूड की आन बान और शान यानी कि देसी घी ठोक के आ गया इसके ऊपर। तो भाई साहब पनीर के लिए आपने देखा कितना ज़बरदस्त इन्होंने बड़ा सा मोटा वाला स्लाइस डाला और अब ऊपर से खूब सारा पनीर जो है ना ग्राइंड करके डाल रहे हैं बिल्कुल। और ये देखो भाई साहब प्लेट, हम तो सोच रहे हैं बस हो गई तैयार हो गई, पर एक के बाद एक ना ये चीज़ें इसके ऊपर डालते जा रहे हाथ इनके। सो भाई साहब मन भावन जी का ना बहुत ही फेमस वाला वड़ा पाव बन के आ गया है, साथ में हमने ले लिए जी यहाँ के राजमा चावल। तो सबसे पहले ना वड़ा पाव टेस्ट कर लेते हैं, वड़ा पाव ले लेता हूँ मैं सबसे पहले। ये आ गया जी वड़ा पाव, तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं जी इनका वड़ा पाव। मिर्ची को ना 2 मिनट के लिए साइड पे रख देते हैं। अंदर आपने देख ही लिया भाई साहब क्या क्या डाला हुआ है, इसको टेस्ट करते हैं गरम गरम है एकदम वड़ा पाव मन भावन जी का स्पेशल वाला। बहुत गर्म है जी। सबसे बोल्ड जो फ्लेवर आ रहा है ना वो आ रहा है भाई साहब ये जो ऑरेंज वाली चटनी डाली ना अंदर गार्लिक वाली, इसका तो जबरदस्त टेस्ट है। जो वड़ा बीच में डाला हुआ ना ओए होए होए क्या बोलूं उसके लिए, फ्रेशनेस के साथ साथ ना उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेश है। और प्याज डाले हुए हैं साथ में, प्याज के साथ तो आपको पता है आलू का कॉम्बिनेशन हमेशा बेस्ट रहता है। आलू में हल्का हल्का राई का फ्लेवर आ रहा है। भाई साहब बहुत बढ़िया टेस्ट है इसका, ये ऐसी चीज़ है ना बंदा जितनी बार इधर से निकले ना एक वड़ा पाव आराम से खा के जा सकता है। कॉस्ट की बात की जाए ना 30 रुपये का एक सिंपल वड़ा पाव है। काफ़ी डिफरेंट वैरायटीज़ के यहाँ पे वड़ा पाव मिलते हैं, ये सिंपल वड़ा पाव है सिर्फ और सिर्फ 30 रुपये का। सो भाई साहब राजमा चावल की भी प्लेट हमारे लिए आ चुकी है और प्लेटिंग के समय आपको मैंने दिखाया क्या क्या चीज़ें डाली हैं इसके ऊपर। घी तो भाई साहब बहुत सारा डाला हुआ और ये देखो भाई एकदम फ्रेश पनीर ऊपर से आगे इनकी अनार। तो भाई साहब एक बढ़िया सी बाइट ले लेते हैं, तो ये आगे हमारे राजमा साथ में लेते हैं थोड़ा सा पनीर और ये इनकी चटनी। इनकी चटनी की तो भाई साहब मेरे को मैं क्या बात करूँ, वड़ा पाव के अंदर खाई है मज़ा आ गया। इसमें जो गार्लिक का फ्लेवर आ रहा ना एक नंबर का फ्लेवर है। राजमा ना ऐसे लग ही नहीं रहे कि मतलब किसी दुकान से खाओ ना तो उसमें एक अलग सा फ्लेवर फील होता है, पता लगता है कि बाजार के राजमा खा रहे हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को। जैसे एकदम घर का खाना होता ना बढ़िया वाला पूरा वो टेस्ट है। और आज तक आप जम्मू में कहीं भी चले जाओ राजमा चावल खाने के लिए, जम्मू में क्या है जम्मू की आन बान और शान है जम्मू के खाने की राजमा चावल। साथ में पनीर बहुत जगह मिलेगा पर हर जगह आपको फ्राई किया हुआ मिलेगा, पानी में डिप करके रखा होता है। आज तक हम वो खाते रहे हमें बहुत अच्छा लगा, पर जब से ये चीज़ हमने ट्राई की है ना सिंपल पनीर के साथ सही फ्लेवर भाई साहब इसी के अंदर है क्योंकि इसमें राजमा का भी फ्लेवर आ रहा है और पनीर का अपना जो स्वाद है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एक नंबर चीज़ लगी भाई दोनों ही। मेन कोर्स में अगर आप खाना चाहो मेरी रिकमेंडेशन है भाई साहब राजमा चावल ट्राई करो विद पनीर, 40 रुपीज़ की हाफ प्लेट है, पनीर और देसी घी डाल के 70 से 80 रुपये इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी और 30 रुपये का आपको वड़ा पाव पड़ जाएगा। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि जब कभी आप त्रिकुटा नगर आओ बिल्कुल मेन मार्केट में साई पैलेस है उसके साथ में ऑटो स्टैंड है, ऑटो स्टैंड के बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये दुकान है जी भाई साहब मन भावन वड़ा पाव के नाम से। यहाँ पर ज़रूर आएँ अपने लिए एक राजमा चावल की प्लेट लगवाएँ और जब तक आपकी राजमा चावल की प्लेट लगेगी ना तब तक एक बड़ा बढ़िया सा वड़ा पाव खाएं, मज़ा आ जाएगा आपको, आपका दिन बन जाएगा क्योंकि ऐसा खाना ना आपको हर जगह खाने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम तो ये खाना ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई जगह पर नए खाने की तलाश में। तब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और ऐसे ही अपना प्यार देते रहना।